कौन है? पागल हो रहा तुम? हाँ पागल ही है तू। ये चूड़ा किसके नाम का पहना हुआ है? मुझे क्या पता किसके नाम का पहना हुआ है? अंकल मेरा पति है भाई। मैं इसका कोई पति वती नहीं हूँ, मैं इसको जिंदगी में पढ़ने के लिए भेजा साले, माँ गुलशर उड़ाने के लिए भेजा था। ओ ओ ओ ट्रैक्टर वाले नीचे उतर, पहले बात करनी है मुझे तुझसे। क्या बात करनी है? कौन है तू? क्या पागल हो? गाँव गाँव घूमूंगी तुम्हारे पीछे? तो मेरे पीछे मैं कौन है तू? कौन है तू क्या मतलब है? मेरे पीछे पापा, एक मिनट आराम से उतरना। पापा की फिकर मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ। क्या पहली बार देख रहा? मेरी शक्ल भी पहली बार देख रहा हूँ। देख रहा हूँ तो पहली बार देख रहे हैं, तेरे को कह देगी वो नीचे आ जा। यार ऐसे ही होगी कोई, मैं नहीं जानता। हाँ तुमने मुझे कहा का एड्रेस दिया था, यहीं कर दिया था ना कि यहाँ पे आजा, मैं तेरे को लेने के लिए आ रहा हूँ, तुम अभी तक लेने भी नहीं आए। मैंने तेरे को बस स्टॉप से खुद ही अकेले सुनेगी कौन है तू? ठीक है मैंने तेरे को कब एड्रेस दे दिया कब? मेरा मेरे पास नंबर नहीं है तेरा। मैंने तेरा चेहरा पहली बार देखा। मेरे को चश्मा हटा के देखोगे दिख जाएगा। चश्मा हटा के भी देखोगे तो भी मेरे को पता है मैं किसको जानता हूँ किसको नहीं जानता। तुम गांव के अंदर मेरे को भूल गए तुम? मैं चाहे एक हफ्ते से हूँ चाहे दो हफ्ते से हूँ। यार तेरा दिमाग खराब हो रहा है? एक हफ्ते से दो हफ्ते से तेरे को ढूंढती आ रही है, कह रही है। यार मैंने इसको पापा नहीं जानता मैं इसको, पता नहीं कौन है। पागल हो रहा है? पागल हो रहा तुम? हाँ पागल ही है तू। ये चूड़ा किसके नाम का पहना हुआ? मुझे क्या पता किसके नाम का पहना हुआ? अंकल मेरा पति है भाई। मेरे समझ में नहीं पढ़ने के लिए भेजा है काहे के लिए भेजा है तेरे को? क्या ड्रामा है तुम्हारा? क्या ड्रामा? ड्रामा तू कर रही है? मैं अच्छा मैं ड्रामा कर रही हूँ? कुछ बोल ही नहीं रही यहाँ पे खड़े होके। कौन है ये लड़की? पापा मैं नहीं जानता इसे। मैं नहीं जानता, पहले तो दूर रह के बात कर ठीक है ना। मुझे नहीं जानता, नहीं जानता मैं तुझे। अपनी बीवी को नहीं जानते? यार कौन बीवी? काहे की बीवी? पागल हो रही है क्या? पापा ने शादी कर ली? पापा सारी बातें कर रहा है, हाथ छोड़। दोनों के बीच का मामला ना, तू है कौन? तू क्यों? पापा मेरी बात सुनो, मैंने इसकी शक्ल जिंदगी में पहली बार वैसी कह रही है। तेरे साथ शादी करनी है? वैसे ही कह रही है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। वैसे ही तू है कौन? क्यों मेरे पीछे पड़ रही है? तू हमारे पीछे ये गुलशन उड़ा रहा है? पापा मैं कुछ नहीं कर रहा, तू क्यों पीछे पड़ी हुई है? मैं पीछे पड़ रही हूँ पापा? मैं तू पहले तो इधर आ। अरे अंकल कहाँ ले जा रहे हैं आप? तू दूर रह पहले तो, ठीक है? ये हम दोनों का मैं क्यों दूर रहूंगी? पागल हूँ मैं? इतनी गाँव में कहीं ले जाऊँ उसको? ठीक है पापा, पहले बात पति भी हूँ मेरा। मैं नहीं हूँ उसका पति वती कोई भी। शादी कर ली है? अरे अंकल मार बेटा, मैं कुछ भी करूँ मेरी बोलने वाली तो मेरा ही पति है, मैं कैसे मान? पापा मेरी बात सुनो, पहले तो मैं इसका कोई पति वती नहीं हूँ, मैं इसको जिंदगी में पढ़ने के लिए भेजा साले, माँ गुलशर उड़ाने के लिए भेजा था। कुछ मैंने कुछ भी नहीं करा। आप क्यों, आप इसकी बात क्यों मान रहे हो? बेटा आपका मैं हूँ, आप इसकी सुनो। समाज तो इसी की मानेगा तो समाज क्यों मानेगा इसकी? जो लड़की है, क्या सबूत क्या इसके पास? लड़की है तो बस ऐसे ही समाज इसकी मान लेगा? समाज अंकल पहले तो आपने थोड़ा आराम से बात करो, तुम जो सच है वो सच बता दो। कौन सा सच? तू मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है यार? बात कर ले हम लोग। मेरे पापा से तुम्हें रिश्ता खराब करेगी? सारे वो मोहल्ला मेरे को जानता है। यार देखो मैं आपको जान रहा हूँ, आप क्यों फालतू में मेरा, यार मेरे घर में मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मेरे घर वाले निकाल देंगे मेरे को। तुम पागल हो क्या? तुम हो कौन? क्या ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? पापा घर चलो, मैं साथ में घर जाऊंगी, चप्पल भी नहीं फेंक दूंगी, मैं साथ में तुम्हारी घर जाऊंगी। क्यों जाएगी? जा सकते हो इसको पापा, घर चलो ना, ये घर के मुद्दे हैं यहाँ पे। क्यों ये कह रही है कि तूने इससे शादी करी है? और तू कह रहा है कि मैं जानता नहीं हूँ? मैं नहीं जानता, मैं सही कह रहा हूँ यार। सच बता दो ना, मेरे यहाँ पब्लिक में अच्छा नहीं लगता, सब देख रहे आते जाते। यार तुम क्या यार, यार तुम पागल हो क्या? इज्जत होगी ना? तू खिल्ली उड़वा मेरी। मैं कुछ खिल्ली नहीं उड़वा रहा, इज्जत करवा मेरी। अंकल मेरी बात सुनो, घर पे बैठ के आराम से बात कर लेते हैं। मैं वैसे ही थक गई हूं, घर में लोग भाग नहीं है। पापा घर चल रहे हैं, इसको रहने दो, पता नहीं कौन है। तू ऐसा कर बैठा, इसको लेकर के जा तू। यार तुम पागल हो गया, मेरे को घर से निकाल देगा? तू पागल हो पापा? सुनो मेरी बात, हम घर जा रहे हैं, बड़े दूर रस्ते में बतंगड़ जो बना रही है। आप घर चल के बात करते हैं ना आराम से, बताओ ना, समझाओ ना पापा। मैं क्या समझाऊं यार, तू क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? मैं पापा के सामने मेरी इज्जत का फायदा जानती है इसको क्या? अंकल आपका दिमाग चल चुका है कि तुम्हारे पापा का? कल तो पापा से तुम इससे बात कर, तो मैंने बोला ना, पहली बात
फिर भी बोल रहा है। बहुत अच्छा कर रहा है बेटा, बहुत अच्छा करवा रहा है तू। पापा मैं जूते पड़वा, मेरे जूते पड़वा, मैं कुछ नहीं करवा रहा, मेरी बात। ये लड़की मेरे लिए ऐसे बोल देगी? फिर मेरी बात तो सुनो यार, तू है कौन, क्यों पीछे पड़ी है फालतू में? क्यों बोल रहे हो एक बात, तुम मेरी बात को रिलैक्स होकर समझो, इनको आराम से अंकल आपको आराम से समझाएंगे। पहले आप बैठो, मेरे को नहीं सुननी यार। ये गाड़ी तो आपकी खड़ी है ना, आराम से बैठ के। गाड़ी नहीं चाहिए हमें, पहले बात कर लेते हैं। हमें नहीं करनी, जैसे बड़ी गाड़ी है क्या? ठीक है, जिससे बड़ी गाड़ी है। अंकल आप रिलैक्स हो तो प्लीज, हाथ जोड़ रहे, रिलैक्स होकर बात कर लो। रिलैक्स कैसे हो जाओ यहाँ, मेरी हालत खराब हो रही है। कितने पढ़ने के लिए हुई है, मेरे पापा के सामने मेरी इज्जत खराब कर रही है, तू क्या कर रही है यार? अंकल पता नहीं कौन, मैं तो सुन लो, तू कह रहा मैं नहीं जानता, नहीं जानता, ऐसा कर तू इसके साथ मर और मैं जा रहा हूँ। पापा ए तू पहले तो यार, तुम कहाँ जा रहे हो? अंकल अंकल सुनो, क्या बात सुनो तुम्हारी, क्या बात सुनो? अरे अंकल मैं नहीं जानती आपके लड़के को कौन है ये, तो खुद कह रही है। तो फिर क्यों फालतू में यार इतनी क्या ड्रामा कर रही हो तुम? एक तो मेरे को नंगे पैर भी करा दिया तुम लोगों ने, तो नंगे तो हमने कराया बेटा तेरे को नंगे पैर। मैं इनको नहीं जानती हूँ, आपके कह रही है ना, मैं कह रहा था मेरे भाई जैसा है वो। तो बेटा मेरे इतना बड़ा ब्लेम लगा, क्यों लगा रही हम दोनों? अरे अंकल अंकल मैं आपको बताती हूँ, इनका दोस्त है अभिमन्यु, ये आप ये काम करते हैं जैसे दिल्ली में काम करते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पर आए थे एक हफ्ते से, तो उसने बोला था कि आ नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि क्या कहते हैं मैं हम ही कर लेते हैं जाके कुछ ना कुछ, तो वो भी अभी गाड़ी में बैठा हुआ, उनको आप तो बात कर लेना। ये गलत बात है, ये सुन लीजिए ना, ये गलत बात है बेटा, हम दोनों बाप बेटे में। अरे एक मिनट एक मिनट, मैं सोशल मीडिया पे वर्क करती हूँ, वो देखो सामने कैमरा लगा रखा है मैंने। मैम वो चीज आपकी ठीक है, लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी है। आई एम वेरी सॉरी, आई एम सॉरी अंकल, आई एम सॉरी। तो मैं ये वीडियो डाल सकती हूँ प्लीज? मेरा वीडियो तो डालो, लेकिन ऐसा मत करो ऐसे। मैम आई एम सॉरी अंकल, आई एम सॉरी। चलो ठीक है, हाय तो कर दीजिए,